लड़के कभी भी मानेगी नहीं इस चीज को। देखो सागर लड़के से काम करवा कुछ पीछे पॉजिटिविटी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हाँ है भाई, भाई धन्य से मिस किया रे। हाँ हाँ ओके, सो अभी मैं बेसिकली जा रहा हूँ सेक्टर 29 एंड वहाँ पे आएगी एलिस, तो उसको मैं दिखाऊंगा बुलेट, फिर देखते हैं। ओके तो भाई मैं पहुंच गया हूँ 29 में, एलिस भी आ गई। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, हेलो हेलो। ओए ओए, ये किसका बर्थडे है? वाओ, मतलब बाइक वाला केक ऐसा कुछ, बुलेट वाला केक ऐसा कुछ, क्या यार मजाक कर रहा हूँ। थैंक यू। पार्टी वार्टी कर रहे हैं, मतलब देखो बुलेट तो देखो नाइस ना। आराम से, हाथ ठीक तो है ना, हाथ साफ है ना। कैब ड्राइवर था, वो जीप सा था, अग्रेसिव सा, जीत के माथे नहीं खा रहा था। अगर केक को कुछ हुआ ना, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है केक लाने के, अच्छे से लेके आओ जैसे वो भी है। चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं, हुआ नहीं हुआ, बट देखो केक लेके आए, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। थैंक यू सो मच अगेन। हाउ इज माय बुलेट? बहुत सही है, फोटो में जैसे लगे थे ना, ज्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में। ओके सो देखो भाई, ये रहा केक, कांग्रेट्स सागर, थैंक यू। इसका तो बताओ, ये जो अभी तुमने मुझे बताया, ये रियल बॉटल है, इसमें रियल वो है अल्कोहल। हां रियल। अगर देखो मम्मी पापा फ्यूचर में पकड़ा ना, ये इसकी जिम्मेदार। बेसिकली बुलेट तो बहाना था, ये मैडम यहाँ पे स्पेशली मोमोज खाने आई थी। इसको मैंने बोला था कि भाई यहाँ पे एक कोई न्यू शॉप है तो अच्छे मिलते हैं, तो मोमोज स्पेशली इसके लिए आई है। बुलेट तो बहाना है। अच्छा केक भी तुम इसलिए लाए हो, चल ठीक है ले जाती हूँ, अभी ऐसा ना लगे है ना। नहीं मजाक करो। हाँ चल गया, इसको नजर मारूंगा मैं या तुम्हें। नाइस ना। नमस्ते भाई, नमस्ते। अच्छा है ना? बहुत बढ़िया। पूजा कराई इसकी? हाँ सब कुछ करा लिया। अच्छा नमस्ते भाई, थैंक यू थैंक यू। वेट करता करता पागल हो गया भाई। अरे जा रखे भाई कहीं पे, तो काम ही कर लेता कोई। हाय। ओके सो अभी हम दोनों आ रखे हैं कालसंग में कुछ खाने पीने। एक्चुअली मैंने नया बुलेट लिया था, तो ये कह रही थी कि थोड़ा थोड़ा पार्टी वार्टी देते तुमको वेयर करके। तो इसलिए अभी हम कालसंग आ रखे हैं। बेचारी डांस करके बहुत ज्यादा थक चुकी है, देखो ना। ओए होए, आए हाय, बहुत गंदा वाला एग्जॉस्ट हो रखी है ये तो। अब यार ये अंकल, जल्दी करके भी तुम्हें एक घंटा तो लगी गया, लड़के कभी भी मानेगी नहीं इस चीज को। जस्ट अभी हम आए कालसर में, मेन बेसिकली यहाँ पे मैंने पोक मोमोज खाने आया हूँ मैं अभी बस। एक यहाँ पे पता नहीं क्या ये मंगवा रहे, किमची किम्बाब, क्या 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 मंगवा रहे हो तुम? किम्बाब काइंड ऑफ सुशी है, बट इट्स नॉट सुशी। अभी अभी देख लेंगे काइंड ऑफ सुशी। मंगवा लो, तुम मंगवा लो। ओके तो हमने मंगाया ये, क्या बोलते हैं कि इसको, सुशी ही बोलते हैं, काइंड ऑफ सुशी है, इसको सुशी ही बोलते हैं। और ये हमने बेसिकली मंगाया है पोक मोमोज, इन्होंने जो भी ये क्या बोलते हैं इसको, बर्तन जो भी दिया, मतलब अच्छा दिया है। गुड, गो फॉर इट। हाथ से उठा लो यार। अबे यार ना बेसिकली कालसंग के ना मेरे को पोक मोमोज ही बेस्ट लगते हैं कसम से, और इनके अलावा और ज़्यादा कुछ मेरे को कुछ खास लगता नहीं है। बाकी इसने ये मंगवा रखा है सुशी, काइंड ऑफ सुशी, मतलब अभी इसको भी देखें कैसा लगेगा ये। नाइस यार, मैंने भी सीखना है यार चॉपस्टिक से खाना। ओके सो और शी विल गोना टीच मी कैसे खाते हैं चॉपस्टिक से। पहले बैलेंस, अच्छा ऐसे उठाओ, डिप करो एक ही बारी में पूरा। नाइस, मैंने पहले भी खाया चॉपस्टिक से। हम दोनों ने जो अभी जानवरों की तरह खाया है ना, हार्डली 5-6 मिनट लगे होंगे भाई हमें खाने में। हाउज इट भाई, अभी हम आ रखे हैं क्लिपैक कॉलेज है यहाँ पे चंडीगढ़ में, तो कश्मीर में आ रखे हैं हम। एलिस है, उसका यहाँ पे डांस है, तो सपोर्ट करने आया मेरे साथ। ये मैंने इसको भी चख लिया, हम मस्त वीआईपी में बैठे हुए हैं एंड बस हम वेट कर रहे हैं। लाइयो कुछ, लाइयो
आ रही है सब आ गई भाई सच में आ गई। ये तो भाई यहाँ पर भाई आकाश का ऐड है, बड़ा मजा आया कि हम जिससे हम बैठे सबसे पहला ऐड उसी का है। अच्छा तो भाई ये देखो इन लोगों का डांस परफॉर्मेंस आ गया अली सोर का, वो खड़े हैं सामने दाइन द हाउस। ओके तो भाई सारी परफॉर्मेंस वगैरह हो गई और अनाउंस भी हो गया एंड बस अब वो एलिस वगैरह सारे अब बैक स्टेज में है तो हम बस उनके पास जा रहे हैं। ये हमारे मुदित भाई, हेलो गाइस, ये थिएटर करते हैं। कुछ आया नहीं, बुरा लग रहा होगा। अरे कोई बात नहीं यार, अरे कल कल देखो कल किसी ने भी नहीं पूछना, ठीक है, बात सिंपल है। तो बस इन्होंने एंजॉय किया तो वो बहुत बड़ी बात है। गुड जॉब। तो एक लड़की ने पहचान लिया था लास्ट में, लास्ट वाली जो एक डांसर थी ना, उन्होंने तुम्हें पहचान लिया। वही तो सागर है, मुझे बात करी, मुझे बात करी, तब तक उनका रिजल्ट है। कहाँ है वो? अरे मुझे किसी ने पहचाना, दो तीन लड़कियों ने इसको पहचान लिया। ओ वाओ यार, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है ये मुदित? उसमें तो गया था, मैं कहा यार दोबारा चले। ओए हेलो गाइस, ये देखो सागर लड़कियों से काम करवाता है। ये ट्रेनिंग चल रही है ना, इक्वालिटी है ना, करना चाहिए ना, इक्वालिटी है भाई, देखो इक्वालिटी और क्या। बाकी क्या बोलते हैं, अभी हम यहाँ पे आ रखे हैं फूड स्ट्रीट में, क्या ये NFS खाने पीने आ रखे हैं। एंड ये गौरीशा है, ये एक्चुअली मेरी वीडियोस जो है अब से एडिट करने वाली है एंड यस तो नहीं। यहाँ पे खा पी के फिर हमने निकलना है, अभी 12 बजे वाले सुबह सुबह, मैंने 4 बजे उठना है, मैं तो वो सोच रहा हूँ कैसे उठूंगा। मुदित भाई न्यू डिजाइन मैन, न्यू डिजाइन मैन, तुम्हारी बहन की बेटा आशीर्वाद लेकर आया ऊपर से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थूक दो, थूक दो, थूक दो, अंडा देख लो। अरे दिखाओ तो है कि नहीं है, दिखाओ तो सही, नहीं है, वैसे कुछ भी नहीं है। अरे नहीं है कुछ, पानी चाहिए, अरे नहीं है कुछ, कोई बात नहीं, क्या हो गया, कोई बात नहीं, ऐसे हाथ से होते रहते हैं बीच बीच में। मिलते हैं भाई, सी यू, बाय गौरीशा, बाय बाय, बाय बाय, जा रही आशीर्वाद लेके जा रही है, धक्का दे दो स्टूडियो से। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं क्या बोलते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मैच देखने के लिए, बहुत ही गंदा मैच चल रहा है। इसी वजह से हुए मेरे को खांसी वगैरह। बाकी क्या बोलते हैं, अपना इंडिया जो है बहुत मतलब ठीक खेल रही है, लेकिन ये अभी तक साफ नहीं करी है। इस भाई की गाड़ी में ना कुछ तो है, ये मिलता रहता है सब कुछ ना कुछ आशीर्वाद। तो भाई अभी हम जा रहे हैं सेक्टर 17 एंड अगेन मुदित भाई एंड एलिस 17 जा रहे हैं, और इंडिया जो है अभी बहुत अभी गलत स्टेट पे है, अभी बहुत गलत सिचुएशन में है, तो अभी हम बस होप कर रहे हैं कि भाई कुछ हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, जीत जाए इंडिया। 11 मैच जीती है उस लगातार एंड अभी ये एक फाइनल हार गई ना, तो सब मेहनत जो है वो डूब जाएगी। हार जाएगी? नहीं यार, ओए इंडिया जो है टेंशन में होगा भाई कसम से। मैंने कुछ करो सिर्फ, क्या इंडिया जीतेगी अब? एकदम तीनों नेपाल से लग रहा है कसम से, देखो देखो तो लोग बोलेंगे ये आ गए नेपाली होशी। ओके सो गाइस, शी इज अ BTS फैन, तो ऐसे बोलते ना तो पूरा भी कम लगता है और बेइज्जती भी नहीं होती। बेइज्जती तो होती है, सब देख रहे हैं भाई, देखो सब देख रहे हैं, वो लगी है आगे स्क्रीन। इंडिया यहाँ पे खड़े खड़े अच्छा लग रहा है ना। हाँ ये बहुत नेगेटिविटी फैला रही है, पीछे पॉजिटिविटी है। देखो गाइस सीधा ऑस्ट्रेलिया से सेक्टर 17 में मैच देखने आए लोग। और भी तो नहीं हो ना तुम? यस ओके तो भाई फाइनली हम निकल गए, हो चुका है वो कांड,
जो हम नहीं चाहते थे। हार गए भाई इंडिया यार। और बाकी हमने एलएसओ ड्रॉप किया भी, जस्ट डिजर्विंग थी यार इंडिया। आज तक ऐसा एक भी बार नहीं हुआ कि भाई कोई टीम जो है वो अनडिफीटेड फाइनल में आई है। बस भाई अब ठीक है, क्या हो गया यार, इट्स जस्ट अ गेम। हम तीनों बैठ के ना बस कार में दुख मना रहे थे। वो लड़कियां कहां?